राधे राधे व्यूअर्स, आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बताऊंगी। और ये डिजाइन हमारा इस तरीके से ऐसे दिखता है। ये इसकी सीधी तरफ से है, ये ऐसा, ये छोटे छोटे से फूल जैसे बन जाते हैं और उल्टी तरफ से इस तरीके से ऐसा दिखता है। ये डिजाइन आप जेंट स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी डाल के आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से ऐसा दिख रहा है और बनाने में भी बहुत आसान है। ये चार चार फंदों का डिजाइन है। ये चार फंदे, फिर चार फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, इस तरीके से डिजाइन चार चार फंदों का बना हुआ है। तो इसे बनाने के लिए मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं, 27 फंदे। तो पहला फंदा हम इसका उतारेंगे और बाकी ये पूरी सिलाई सीधी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। तो सारे फंदे पूरी सिलाई के सीधे बुनते हुए आप कोई भी बॉर्डर बनाएं, और बॉर्डर बनाने के बाद में इस तरीके से पूरी सिलाई सीधी बना लें। फिर उल्टी सिलाई है, इसको भी पूरा उल्टा बना लें। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। सिलाई हमारी बन गई है उल्टी। अब सीधी सिलाई है और सीधी सिलाई पर अब डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4, चार फंदे उल्टे उनको पीछे करेंगे। अब ये दो फंदे एक निकालेंगे ऐसे, और इस सिलाई पे एक फंदा अंदर को और ऐसे एक फंदा ऐसे बाहर को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। तो पहले इस फंदे को बुनेंगे, फिर इस वाले को। तो इस साइड में इसे ट्विस्ट किए हैं, अब हम ये पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को पहले अंदर ले लेंगे। तो पहले इसको बुनेंगे, फिर इसको बुनेंगे। तो एक फंदा हमारा इधर गया है, ट्विस्ट हुआ है, और एक इधर। तो चार फंदे हैं, दो दो करके हमने ट्विस्ट किए हैं, उनको अपनी तरफ करेंगे। चार फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर उन पीछे करेंगे। और जैसे हमने यहाँ बनाया ऐसे ही पहले इस फंदे को निकालेंगे, और फिर उल्टा फंदा इस सिलाई पे लेंगे, और पहले इस फंदे को बुनेंगे 2। इसके बाद हम फिर पीछे से सिलाई डालेंगे ऐसे, और इस फंदे को इस सिलाई पे लेंगे। तो पहले इसको बुनेंगे, फिर इनको बुनेंगे। तो ये डिजाइन हमारी दो बन गई हैं। ऊन को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे बनेंगे, 2 3 4, फिर ऊन पीछे। अभी हमारे चार फंदे हैं, तो इनको हम पहले सीधा फंदा ऐसे इधर को निकालेंगे, और इस सिलाई को ऐसे लेंगे इसको। तो पहले इस फंदे को बुनेंगे हम, ट्विस्ट करेंगे इन्हें। उसके बाद ये दो फंदे हैं, तो पहले पीछे से निकालेंगे ऐसे, और फिर इस फंदे को निकालेंगे अंदर को लेकर। ये दो फंदे ऐसे बनेंगे, और ये लास्ट वाला फंदा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो हमारे तीन डिजाइन बन गए हैं। पहला फंदा उतारा, चार फंदे हमारे उल्टे, फिर हमने दो फंदे लेके ट्विस्ट किए हैं इधर को, और दो फंदे इधर को, दो बाई दो सीधी तरफ से, फिर चार फंदे उल्टे। इसी तरीके से हमारी ये तीन डिजाइन बन गई हैं, 1 2 3। उल्टी सिलाई जितनी भी होंगी इस डिजाइन में, वो सारी उल्टी बनाई जाएंगी। इसमें कुछ नहीं करना है,
सारे फंदे हमें उल्टे बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट करना। तो हमें पूरी सिलाई ऐसे उल्टी बनाना है। तो ये सिलाई हमारी उल्टी बन गई है। तो पहली सिलाई हमारी ये थी, दूसरी सिलाई हमने उल्टी बना ली है, तीसरी सिलाई है। और इसमें पहले हमने इधर को मोड़े थे फंदे, अब हम इसको बंद करेंगे डिब्बी को। तो चार फंदे उल्टे, पहला फंदा उतारा, चार फंदे ऐसे उल्टे बुने, ऊन पीछे की। अब ये दो फंदे हैं फिर निकालेंगे तो पीछे से लेंगे अब, और इसे अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ को मोड़ेंगे ऐसे। तो पहले इस फंदे को बुनेंगे फिर इसको बुनेंगे। अब ये दो फंदे हैं तो अब हम आगे की तरफ से लेंगे ऐसे फंदा और इसको पीछे ले जाएंगे। तो ये बंद हो गई, पहले हमने दोनों अलग साइड से, पहले इधर को गई थी ये दोनों, अब बंद हुई हैं तो दोनों आपस में मिल गई हैं। तो ये डिब्बी जैसी बन गई है। ऊन को अपनी तरफ करके चार फंदे उल्टे, फिर उन पीछे। तो जैसे हमने यहाँ इसको मोड़ा है, अब हम इन फंदों को मोड़ेंगे। खुली हुई डिब्बी है, इसको बंद करेंगे। तो बंद, इसको पीछे से सिलाई डाल के ऐसे इस फंदे को लेंगे और पहले इन दो, इसको बुनेंगे फिर इस फंदे को बुनेंगे। अब ये दो फंदे हैं तो हम आगे से सिलाई डालेंगे ऐसे, तो पीछे से इस फंदे को लेंगे इस सिलाई पर। तो पहले इस फंदे को बुनेंगे और फिर इसको। तो चार फंदे बने, पहले हमने इसे ऐसे खोला फिर इसको बंद किया, तो ये डिब्बी जैसी बन गई है डिजाइन। उनको अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे उल्टे, फिर उन पीछे, और इस डिब्बी को भी बंद करना है। तो उसी तरीके से करना है जैसे हमने पीछे किए ऐसे। फिर ये दो फंदे निकालेंगे ऐसे, इसको भी बुन लेंगे और इसको सीधा बुन लेंगे। तो डिजाइन हमारा ऐसे बन गया। ये डिब्बी थी, ये बन गई चार फंदे उल्टे। अब हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तो ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी बनाई जाएगी। उल्टी सिलाई बन गई है, सीधी सिलाई है, और सीधी सिलाई हमारी पूरी सीधी जाएगी। इसमें कुछ नहीं बनाना है, पूरी सिलाई सीधी बुनी जाएगी। तो सारे फंदे सीधे बनाए जाएंगे। सीधी सिलाई भी बन गई है और उल्टी सिलाई भी इसकी पूरी उल्टी ही बनाई जाएगी। तो ये सीधी बन गई है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी।
उल्टी सिलाई भी बन गई है। अब सीधी सिलाई पे ये डिज़ाइन चेंज होगा, तो ये डिज़ाइन अब इसके ऊपर बनेगा और ये उल्टे फंदे हैं इसके ऊपर होंगे। तो एक सिलाई इसकी ऐसे, अब यहाँ ये डिज़ाइन बनेगा जो हमने यहाँ बनाया था डिब्बी, अब इसकी यहाँ बनेगी डिब्बी। पहले इसको ऐसे इधर को फंदे मोड़ेंगे और ये दो फंदे हैं इनको हम इस तरफ को मोड़ेंगे ऐसे। तो पहले ये डिब्बी ऐसे खुली फिर बंद होगी, उनको अपनी तरफ करके ये चार फंदे उल्टे, फिर उन पीछे अब ये डिजाइन यहाँ बनेगा। तो पहले ये दो फंदे ऐसे बनेंगे, फिर ये पीछे से सिलाई डाल के इस तरीके से ऐसे, तो ये डिब्बी बनेगी इसके ऊपर, फिर चार फंदे उल्टे, फिर उन पीछे और अब इसके ऊपर डिब्बी बनेगी। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से इसके ऊपर ये फंदे ऐसी ट्विस्ट किए जाएंगे। फिर चार फंदे उल्टे उन पीछे और एक फंदा सीधा। तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसे इसके ऊपर से चेंज हो गया है। पहले यहाँ था ये डिज़ाइन, फिर अब इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना है। अब अगली उल्टी सिलाई बनने के बाद में जैसे हमने यहाँ बंद किया है तो ऐसे ही इसके ऊपर से बंद किया जाएगा। जब इसे बार बार आप इसे बनाएंगे तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन जाएगा। पहले यहाँ था, फिर इसके ऊपर उल्टे फंदे, फिर ये डिब्बी, ऐसे ही इसके ऊपर से बनाया जाएगा। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन लगेगा। तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।